मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रामू सर. टुडे आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिसलिनियस एक्सरसाइज आप क्लास 12 आप मैथमेटिक्स चैप्टर डेरिवेटिव लेक्चर नंबर 10. आज हम बड़े डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 10 और आखिरी लेक्चर डिस्कस करते हैं इसका. और इसमें कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज के और बचे हुए हैं, उनको मैं आपको कराता हूँ. तो देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 13. बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए होम असाइनमेंट को आप बनाते रहिए. नहीं क्वेश्चन कोई होगा तो उसके लिए बेटे मुझसे आप पूछ सकते हैं. तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. यू हैव टू फाइंड आउट dy ओवर dx. ठीक है, फाइंड आउट dy ओवर dx का निकालना है. बेटे dy ओवर dx निकालना है तो ध्यान से आप देख लीजिए. हम जानते हैं d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है बेटे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. ऐसा हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से बेटे. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना होता है, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. तो y इक्वल्स टू ये है. तो अब आप इसको सीधे सीधे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो यू कैन फाइंड आउट dy ओवर dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर. साइन इनवर्स x इस पर बेटे पूरे को आप t मान लीजिए, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा और d ओवर dx एक्स आप अंडर रूट 1 माइनस x. ठीक है, अब बेटे यहाँ पर इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है. यहाँ देखिए जरा ध्यान से, तो इसको मैंने अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर पूरे को ही t मान लिया. ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट को टी माना. तो साइन इनवर्स टी 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन इनवर्स है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अगर बेटे आपने इसके लिए टी माना है तो आप इसका पूरे का टी किसे किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर. ये इस तरीके से करेंगे और डी ओवर डी एक्स आप जिसको टी माना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए. 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इससे रूट हट जाएगा बेटे, स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट चला जाएगा. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा रह जाएगा. और बेटे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अब आपका 1 अपॉन टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका माइनस 2x कुछ ऐसा आ जाएगा. तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बेटे आपका इससे कैंसिल हुआ तो आपका ये बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस माइनस माइनस एंड बेटे आपका रह जाएगा ये 1 अपॉन एक्स ओनली और ऊपर भी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स एंड एक्स गेट कैंसिल तो ये आपका हो गया 1 अपॉन बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. होल टर्म इज कैंसिल, आंसर 0. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लगा लीजिए. एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जरा फिर देख लो इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट कर दिया सिंपली तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता ही तो साफ है. तो बेटे प्लस इसका करेंगे तो इसको टी मान लिया, साइन इनवर्स टी 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ टी. तो टी से माना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब इसको सॉल्व किया तो बेटे इसका स्क्वायर से रूट हट गया
और इसको अंदर ट्रांसफर कर दिया तो ये 7 प्लस हो गया, 1 एंड 1 गेट कैंसिल, रूट एक्स स्क्वायर हो गया, रूट एक्स स्क्वायर को रूट के बाहर आते आते एक्स बचेगा और ये एक्स बचा बेटे, और यहाँ पर भी ये यहाँ पर जब किया है तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर 2 एंड 2 गेट कैंसिल माइनस एक्स, ये माइनस में इसको माइनस किया इस वाले माइनस से, ये साइन माइनस का हो गया और एक्स से एक्स कर लिया बेटे, तो आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों एक टर्म ये बेटे कैंसिल हुई तो आपका ये आ गया आंसर 0। ठीक, तो इसको आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं बेटे, इन क्वेश्चनों से आपको बिल्कुल एग्जाम में रहता है, आप इनको क्वेश्चनों को यूं ही ना लें, बिल्कुल इनको आप सेलेक्ट करके चले माइंड में अच्छे क्वेश्चन के डेफिनेशन के लिए। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो इस पर, एक क्वेश्चन है आपको 40, ये गिवन है बेटे एक्स रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स, ये गिवन है, देन सो दैट प्रूव दैट y over dx equals to minus 1 upon 1 plus x whole square, ये है सर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बेटे इक्वल्स टू 0 है, तो बेटे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप देखो x टर्म को सेपरेट कर लीजिए, एक्स कर जाएगा माइनस फाइव स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दो साइड स्क्वायर कर देंगे बेटे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी y स्क्वायर 1 प्लस एक्स, अब और थोड़ा बेटे इसको करिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, और बेटा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, उसको टर्म को उधर भेज दो तो आप लिख दो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y स्क्वायर बदल ले गया वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसे, यहाँ पर बेटे आप एक्स इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यू कैन राइट हियर एक्स प्लस वाई बेटा एक्स माइनस वाई माइनस, यू कैन टेक माइनस एक्स वाई इज कॉमन तो इट बिकम्स ऑल्सो एक्स माइनस वाई, x minus y and x minus y get cancelled, x plus y minus xy, you can send x and y दोनों को में से किसी को भेज सकते हो आप यहाँ पर, x plus two minus xy minus y, y को भेजिए तो x plus two minus y is common, this becomes one up plus x, यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो माइनस x अपॉन 1 प्लस x, नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, वी कैन फाइंड आउट dy ओवर dx, और बेटे इसमें जब करेंगे माइनस 1 प्लस x होल स्क्वायर, इसके क्या करेंगे बेटे, हमने 1 प्लस x इसका होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का और डिनोमिनेटर एडिटेड Thank you.
एक्स एंड एक्स गेट कैंसिल माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर ट्रू। इसको एक बार चाहूँ तो फिर देख लो आप बेटे, सबसे पहले आपका एक्स वन प्लस पाई प्लस पाई वन प्लस रूट एक्स ही था, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेटे सबसे पहले सेपरेट कर दिया दो पार्ट में। जब दो पार्ट में मैंने सेपरेट किया है तो आपने फिर इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग करने पर ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट हट गया, वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट हट गया, इनको अंदर ब्रैकेट में ट्रांसफर कर दिया और इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म को सेपरेट कर लिया और एक्स वाई की टर्म को अलग सेपरेट कर दिया और यहाँ से इसको फैक्टराइज किया और यहाँ कॉमन लेके बेटे ये टर्म डेवलप की और यहाँ से एक्स या वाई को सेम साइड करके यहाँ से इसका ही आंसर इस तरीके से वाई की टर्म्स में एक्स एक्स के टर्म्स में वाई को फाइंड आउट कर लिया। क्या किया बेटे हमने, वाई को एक्स की टर्म्स में फाइंड आउट किया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया क्यूसेंट रूल की हेल्प से, तो आपको आंसर मिल गया। ठीक, इसको आप नोट करिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है बेटे, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से आपकी पहली एक्सरसाइज रेट चेंज ऑफ रेट वाले चैप्टर को एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, तो उसके बाद आप सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और देखिए बेटे इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है cos y if important, this is also most important, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है बेटे, cos y x cos a plus y prove that dy over dx cos square प्लस वाई। बेटे इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा टेक्निकल है, ये क्यों है आपका आया हुआ, इसको आप देख लीजिए, यहाँ से करते हैं cos y equals to x cos a plus y, इसको बेटे x को यहीं रहने दूंगा, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा, जब इसको इस साइड लाएंगे तो इट बिकम्स cos y upon a प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक, अपने डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे तो इसका डिनोमिनेटर है कॉस a प्लस वाई इसका होल स्क्वायर, अब कॉस क्यूसेंट लो आई a प्लस वाई एज इट इज, कॉस वाई का बेटे माइनस साइन बाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स, कॉस बाई का माइनस माइनस कॉस बाई एज इट इज, और ये भी इसका बेटे कितना हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स, और एक्स से कितना हो जाएगा वन। क्रॉस मल्टीप्लाई से इस टर्म को आप इधर भेज दीजिए, by cross multiply to send this term is this side, so you can write here, you can take common dy over dx in numerator, dy over dx numerator se common lenge aapka ho jayega bete, aur a plus y sin y ya isko minus minus plus, isko yahan se likh lo bete, minus minus plus cos y sin a plus y, sin a plus y a प्लस वाई क्रॉस वाई और माइनस कॉज ए प्लस वाई कॉज ए प्लस वाई साइन वाई एंड राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा कॉज स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। बेटा थोड़ी सी और इसके लिए साइन ए क्रॉज बी, इसको मैं ए कह दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पहुंच जाइए आप, इसे ए और बी, वाई के लिए बेटे किससे कह देंगे इसे बी, तो साइन ए क्रॉज बी माइनस क्रॉज ए साइन बी, द फार्मूला आप द आइडेंटिटी बन जाएगी किसकी बेटे, साइन ए क्रॉज बी माइनस क्रॉज ए साइन बी इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन ए माइनस बी, इसका एप्लीकेशन आप यहाँ पे करोगे तो बेटे डी वाई ओवर डी एक्स
साइन ए प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ से आपने क्या किया बेटे वाई एंड वाई गेट कैंसिल, तो एन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल दो तो कॉस स्क्वायर इधर रहेगा बेटे आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट नोट करिएगा इसको, वेरी गुड क्वेश्चन। और इसको मैं रफ करता हूँ, और देखिए बेटे इसमें और क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 17, एक्स प्लस टू ए कॉस टू प्लस टी साइन टी एंड वाई इक्वल्स टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, ए साइन टी माइनस टी कॉस टी यू हैव टू फाइंड आउट ए टू वाई होगा डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बेटे क्या निकालना है आपको, डबल डेरिवेटिव के साथ ए टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप इसको वन और इसको टू कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग वन एंड टू रेस्पेक्ट टी, वन एंड टू किसी करेंगे बेटे, डिफ्रेंशिएटिंग वन एंड टू विद रेस्पेक्ट टू टी, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट बिकम्स डी एक्स ओवर डी टी ए कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस टी साइन टी, प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट और सेकंड ले लो बेटे इसे, तो ले लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको क्या करना है बेटा डी आई जी टी साइन टी का कॉस टी, साइन टी का कॉस टी माइनस साइन टी आई जी टी प्लस और टी का वन, साइन टी गेट कैंसिल, तो ए टी कॉस टी इसको थर्ड इक्वेशन कह दीजिए। सिमिलरली डी वाई ओवर डी टी ये बेटे फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, आपको आ जाएगा ए साइन टी का कॉस टी माइनस टी कॉस टी, तो टी एज इट इज, टी एज इट इज कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, और बेटा सिंप्लीफाई कर लो, ए माइनस माइनस प्लस टी माइनस कॉस टी से कॉस टी चला गया बेटा, तो ए बी साइन टी, ए टी साइन टी, तो अब बेटे इसको फोर्थ कह लो, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट, सॉरी अब आप डिवाइड कर लीजिए बेटे, डिवाइड टू बाई फोर बाई थ्री, थ्री डी वाई ओवर डी टी एंड डी एक्स ओवर डी टी मीन्स डी वाई ओवर डी टी बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे और इसको जब डिवाइड कर देंगे तो आपका ये टर्म बच जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, पर काटते नहीं है, लिखते भी नहीं है, तो ये आपका पार्ट रहेगा ए टी साइन टी अपॉन कितना हो जाएगा 10t, ये dy over dt हो गया,
एक पार्ट ये आ गया आपका, अब यहाँ से आपसे डबल डेरिवेटिव की बात करिए तो अगेन डिफरेंस ये इतनी डी एक्स है बताइए डी टू फाइव ओवर डी एक्स का अगेन डिफरेंस ये अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटे डी टू बाई होगा टेन टी का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी टी ओवर डी एक्स ये मेन है। यहाँ से आपको ये वाला पार्ट भूल जाते हैं बच्चे, ध्यान रखना बेटे यहाँ गलती होगी क्योंकि आपको आपने ये डिफरेंशिएट किया तो ये टी के रेस्पेक्ट में हुआ क्योंकि आपको लाना है एक्स के रेस्पेक्ट में। डबल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स रेस्पेक्ट में लाने के लिए हम उसको एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो आप स्क्वायर टी और डी टी ओवर डी एक्स आप कहाँ से लिख देंगे डी टी ओवर डी एक्स यहाँ से तो उल्टा लिख दो बेटे कितना हो जाएगा वन अपॉन ए टी कॉस टी कॉस टी तो ये वन अपॉन कॉस क्यू सेक क्यू टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये भी क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव का भी बेटे कई बार पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से आप तैयार कर लीजिए और देखिए बेटे इसको। एक इसकी लास्ट प्रॉब्लम और बता देता हूँ मैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटे चैप्टर नंबर 6 के लिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को समझेंगे और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उससे भी आपको काफ़ी रहता है तो आप उसको थोड़ा सा सही से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है इसका 18 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन नंबर 19 इसका एग्जाम से अलग है और बाकी क्वेश्चंस आप कुछ क्वेश्चन इसके होमवर्क में कर लीजिए जो बच रहे हैं क्वेश्चन। बार बार एफ एक्स प्लस टू मॉड एक्स क्यू और फाइन डी टू बाई ओवर डी एक्स इस पर ये ऐसा पेज है। सबसे पहले हम इसका फंक्शन को लिख लेते हैं, ये आपका माइनस एक्स क्यूब इफ एक्स इज लेस एंड इक्वल देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो मतलब ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा बेटे और ये दो वैल्यू देगा प्लस एक्स क्यूब होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इस कंडीशन को हमें समझना है बस, मेनली तो ये है अगर मॉडुलस में लिखा है तो आप इसको बेटे इस टाइप से आप समझेंगे। अब आप ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो यू हैव टू फाइंड आउट एफ एस एक्स, अगर सिंगल डैश लगाया तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव कर देंगे बेटे फिर यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से करेंगे इसको 3x² पॉजिटिव एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बेटे क्या है ग्रेटर देन जीरो के लिए सिंपल है अगेन डिफरेंशिएट क्योंकि डबल डेरिवेटिव पूछना है अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स हैव टू फाइंड आउट एफ डबल एक्स माइनस सिक्स एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो प्लस सिक्स एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन। तो ये बेटे लास्ट क्वेश्चन था, इसका एक आध क्वेश्चन और है इसमें, बाकी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। अगर आप इतना करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे बचेगा नहीं, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।